बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि एक के बाद एक तेजी बंदी नजर आ रही है। फिर से देख रहे हैं सोयाबीन का दिसंबर वायदा 6804 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 6885 का ही लगा चुका है, लगभग 3% की तेजी है। रूपा जी देख रहे हैं कि आज सोयाबीन के बाजार काफी शानदार रिकवरी के साथ, तेजी के साथ खुलते नजर आए हैं और हमने लगभग 2 सप्ताह पहले सोयाबीन के अंदर 6900 के ऊपर लेवल्स आते हुए देखे थे। क्या आपको क्या लगता है, क्या इस कारोबारी सप्ताह 7000 या उससे भी ऊपर के भी लेवल्स एक बार फिर से देखने को मिल पाएंगे सोयाबीन के अंदर? देखिए, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि इसके अंदर जो है 7000 का स्तर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि 7000 तक ऊपर जा सकता है। जी, तो यानी कि सोयाबीन में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब से अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बनता नजर आ रहा है, तो ऊपर के मुताबिक क्या करके चलना सही रहेगा, क्या सोया तेल के भी दाम बढ़ेंगे आगे? देखिए, सोया तेल में तेजी, छुटमुट तेजी आ सकती है, लेकिन ज्यादा लंबी तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, काफी सुस्ती वाला हो सकता है। इसके कंपैरिजन में मुझे लगता है कि सोयाबीन अच्छा ट्रेड कर सकता है, लेकिन रिफाइंड सोयाबीन की बात करें तो यहाँ से जनवरी वायदा की अगर हम बात करें तो ऊपर में नीचे में 1180 है और ऊपर में 1240 तक मैक्सिमम एक बार अपसाइड पकड़ सकता है। जी।